वेलकम टू लाइफस्टाइल। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय। हमारी लाइफ स्ट्रेस और टेंशन से घिरी है और कई बार इस तनाव का संबंध अंक शास्त्र से भी जुड़ा होता है। दरअसल हमारे जीवन में अशांति की वजह आपके नाम में छुपा अंक दोष भी हो सकता है। तो आज अपने शो में अंक शास्त्र के कुछ ऐसे ही उपाय जानने की हम कोशिश करेंगे जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। अंक शास्त्र के इन्हीं नियमों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कैलाश प्रज्ञा सुथार, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। वेलकम सर। नमस्कार। तो कैसे अंक शास्त्र बना सकता है आपके बिगड़े काम, इसी पर है हमारी आज की खास पेशकश। एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, आपको लगता है कि बार बार मेहनत करने के बाद भी उसका नतीजा आपको मिल नहीं रहा और अंक शास्त्र से जुड़ा कोई भी मुद्दा आपसे हो, कोई भी मसला हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपको बता दें, हमारा नंबर है 0120-715-3826 और 0120-715-3827 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये दोनों फोन नंबर्स अगर आपके लाइफ में, अगर आपकी जिंदगी में शांति नहीं है, करियर के लिए परेशान है, निजी जीवन में कोई परेशानी है, तो सीधे फोन लगाएं और हमसे पूछें। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लें। अगर आपकी लाइफ स्ट्रेस और टेंशन से घिरी है और आपको अपनी प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन नहीं मिल रहा, तो आप अंक शास्त्र या न्यूमेरोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। लाइफ साइकिल में नंबर्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये न सिर्फ आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाएगा बल्कि आपकी प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा। न्यूमेरोलॉजी में बिना जन्म पत्री के काम होता है। इसमें आपका बर्थ डेट इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ ही किसी का नाम इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर चाहे वो इंसान का हो या कंपनी का। ए से लेकर जेड तक न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया जाता है और इसी बेसिस पर अंक शास्त्र काम करता है। अंक अपने सभी रूपों में हमारी जिंदगी एक या अनेक तरह से जुड़े हुए हैं। हमारे बर्थ डेट में अंक है, हमारे नाम में अंक छिपा हुआ है और हमारे काम या बिजनेस के नाम में भी अंक छुपा है। अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग लोगों की पर्सनालिटी और फ्यूचर के बारे में उनसे संबंधित अंक का विश्लेषण कर बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो अगर आपकी लाइफ में है कुछ प्रॉब्लम जिसका आपको नहीं मिल रहा है सलूशन, तो आप अंक शास्त्र की राह पर चल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं और अंक शास्त्र से जुड़ा कोई भी सुझाव आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। हेलो जी, अपना नाम बताते हुए सवाल पूछ लें। संजय नाम है मेरा, संजय मंदवानी। जी संजय, सवाल पूछें। नहीं हो रही मेरी, इस बारे में पूछना। शादी नहीं हो रही है तो इस बारे में पूछना। जी संजय, सवाल पूछिए। शादी नहीं हो रही है तो इस बारे में पूछना है। शादी नहीं हो रही है इनकी। आप अपनी जन्म तारीख बताइए। 4/4/1980। 4/4/1980। 4/4/1980। चूंकि 4 का अंक राहु का नंबर माना जाता है, इस कारणवश राहु प्रधान व्यक्तियों की शादी हमेशा काफी लेट हुआ करती थी और कहा जा सकता है कि राहु प्रधान व्यक्ति अगर उम्र के 27 के बाद ही अगर शादी करे तो उनके लिए सफल और सफल वैवाहिक जीवन हो सकता है। तो मेरे प्रेडिक्शन के अनुसार आपकी मैरिज जो है 28 अप्रैल 2016 के बाद आपके जीवन में शादी का शुभ मुहूर्त बैठता है, उसी के बाद आप सफल वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकते हैं। तब तक आप भैरव पूजा करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और रहेगा। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सत्यपाल हैं हमारे साथ, सवाल पूछें। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्ते, सवाल पूछिए।
मैडम मेरा ये सवाल है कि नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी के बारे में सवाल है। आप अपनी जन्म तारीख बताइए। मेरी जन्म तारीख है 1 अगस्त 1994। 1 अगस्त। एक अगस्त 1994। इस जन्म तारीख के अकॉर्डिंग आपकी जॉब नहीं लग रही। जॉब न लगने के पीछे यही रीजन है कि जिस फील्ड में या जिस कार्य क्षेत्र में आप अभी प्रयास कर रहे हैं वो आपके जन्म अंकों के अनुसार नहीं है। इसलिए मेरे अनुसार आपको मीडिया या सरकारी नौकरी के अंदर अगर आप प्रयास करते हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी फील्ड में अगर कार्य करेंगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। और कहीं ना कहीं आप अपने घर के अंदर महिलाओं को ससम्मान रखें और महिलाओं के प्रति प्रेम जताते वे अपना कार्य करें तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। चलिए एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, गीता। सवाल पूछे गीता। जी नमस्कार मैम, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। उसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21/2/78, अनुराग नाम है। 21 फरवरी 1978। 3 का जन्म अंक बताया तो गीता जी मैं कहना चाहूंगा अभी आपके पुत्र के लिए शादी का उत्तम समय चल रहा है। आप किसी भी ब क और र अक्षर की लड़की के साथ अपने पुत्र की कुंडली मिलवाइए। और अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हैं तो जयपुर के अंदर ही आपका जो जन्म स्थान है वहां आसपास ही अपने पुत्र के लिए वधु ढूंढिए तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। शादी का उत्तम समय चल रहा है, 19 फरवरी 2016 से पहले पहले आपके पुत्र की शादी हो जाएगी। चलिए तो अंक शास्त्र हर जगह अप्लाई होता है। सबसे पहले अब मैं शुरुआत आपसे इसी सवाल से करना चाहूंगी, अंक शास्त्र है क्या, इसे हम कैसे और किन किन पहलुओं में समझ सकते हैं? अंक शास्त्र वैसे ज्योतिष की ही एक विद्या है। अंक शास्त्र जीवन के हर पहलू में हम इसको अनुभव कर सकते हैं। आज हमारा जिस समय में जन्म होता है, जिस तारीख को होता है, वो तारीख हमारे लिए एक पर्याय बनती है हमारे जीवन के लिए। हम जो गाड़ी खरीदते हैं, हम जिस घर में रहते हैं उस मकान का नंबर, हमारे भाई बहनों का नंबर, हमारे माता पिता का नंबर, हम जिस शहर या जिस राज्य में रहते हैं उसका नंबर, अपने आप में जहां कहीं हम कदम रखते हैं वहां नंबर का अपना एक सिलसिला चलता है और वो नंबर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करते हैं। हमारी जन्म तारीख के अंकों के अनुरूप अगर नंबर है तो हमें जीवन में सफलताएं ज्यादा मिलती है, और जन्म तारीख के अनुकूल नंबर नहीं है हमारी लाइफ स्टाइल में तो हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए एक कॉलर ले लेते हैं, हमारे अगले कॉलर आदित्य हैं। सवाल पूछिए। नमस्कार आदित्य, सवाल पूछिए। हाँ सर नमस्कार सर, जानकारी लेना चाह रहा हूँ सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ। नमस्कार। हाँ हेलो। 20/9/97 सर। सर मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर ली है। 20/9/97। आप अपना क्वेश्चन बताइए सर। अब मेरा पढ़ाई मेरा आगे लाइफ किस में अच्छी है सर, करियर कहाँ बनाए, लाइफ कहाँ सेट होगी? आप 2 के अंक चंद्रमा वाले हैं और आपको अपना कैरियर के बारे में आपका क्वेश्चन रहेगा तो इसके अंदर मैं यही कहूंगा कि आप इंजीनियरिंग या आईटी या कंप्यूटर से जुड़े हुए फील्ड के अंदर अगर आप अपना कार्य करते हैं तो आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। और आप फ्रीलांसर होकर अगर अपना काम करेंगे तो ज्यादा सफल अच्छा जीवन आप करेंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी व्यवसाय में बिजनेस में न जाए, आपके लिए नुकसानदायक रहेगा व्यापार करना। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, प्रियंका है हमारे साथ। सवाल पूछे प्रियंका। हाँ जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1985। हेलो। 17 अगस्त 1985। इनको मतलब मकान के बारे में जानकारी लेनी है, दूसरा इनकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी? 17 अगस्त 1985 मतलब 8 के अंक के अंदर जन्म हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका है मकान कब तक बनेगा, तो मकान के बारे में यही कहूंगा 8 के अंक वालों का मकान बनना उनके जीवन में बहुत ही मुश्किल भरा रहता है। जहां तक आप हो सके पहले अपने कैरियर को, अपने व्यापार को प्रायोरिटी दें। अगर आप मकान के लिए अगर थोड़ा सा दौड़ भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कैरियर पीछे छूट जाएगा। मकान के युग तो आपके सन 2018 के बाद ही बनते हैं, उससे पहले मुझे कहीं आपके मकान बनने के योग दिखाई नहीं दे रहे। और रही जन्म तारीख 8 के अकॉर्डिंग आपके कैरियर की, तो उसके लिए आपको कहीं न कहीं अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। मेहनत में कोई कमी न रखें, मेहनत में कमी कहीं न कहीं आपको सफलता से दूर कर देगी।
चलिए, यानी कि मेहनत करते रहें। अगले कॉलर भी ले लेते हैं, हमारे साथ मोहनलाल जुड़े हुए हैं, सवाल पूछें। जी मैडम। जी जी, मेरा जन्म तारीख मैडम। सवाल पूछें। हाँ मैडम, सरकारी जॉब नहीं लग रही है, पिछले 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, तो इसके लिए कब लगेगी? आपकी जन्म तारीख आपने 30 बताई, 30, 3 और 0, 3 मूलांक, आप 3 के अंक वाले हैं, बृहस्पति प्रधान है, तो इस कारण आपका जॉब लगने का योग और समय अति उत्तम चल रहा है। आप प्रयास करते रहिए, 28 अप्रैल 2016 के आसपास आपकी सरकारी नौकरी लगने के पूर्ण योग है। चलिए, तो मेहनत करते रहें, मेहनत में कमी न छोड़ें, और बाकी ग्रह दशाएं अनुकूल हैं। अंक शास्त्र के बारे में हम जानकारी लेना चाह रहे थे, इसके पहले एक और कॉलर को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। अगले कॉलर जुड़ गए हैं, नाम बताते हुए सवाल पूछ लें। मुकेश जी, अभिषेक बताएं। मुकेश, 11/11/1986। जी जी मुकेश, मैडम मेरा एक काम, एक बार सवाल दोहरा दें अपना। बिल्कुल सही नहीं चल रहे हैं, इसका भर रहा हूँ थोड़ा सा, क्या है काम सही नहीं चल रहा? डेट ऑफ बर्थ बता दें। 11 तारीख आपने अपनी जन्म तारीख बताई, और आपका क्वेश्चन है कि आपके कार्य नहीं चल रहे। 11/1/2 चंद्रमा का अंक है। मुकेश जी, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, चंद्रमा प्रधान व्यक्ति जहां तक हो सकते हैं अपने कुल देवी देवताओं की अगर पूजा न करें, आपका जो व्यापारिक स्थल है, जहां पे आपकी शॉप या फैक्ट्री है, वहां पे आप अपने कुल देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो स्थापित कीजिए, कहीं न कहीं अध्यात्म के अंदर कमी आपके व्यापारिक दृष्टिकोण को बाधित कर रही है। चलिए, यानी कुल देवी देवताओं की पूजा आप करें। अगले कॉलर को ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, नाम बताएं और सवाल पूछ लें डेट ऑफ बर्थ बताते हुए। और कृपया टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। नमस्कार, जी सवाल पूछें। लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ तकनीकी समस्या। सभी दर्शकों से अपील, जब भी कॉल करें कृपया टीवी का वॉल्यूम या तो बंद रखें या तो कम कर दें। अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हुए अपना सवाल पूछें। आज हम अंक शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न्यूमरोलॉजी के जरिए आप अपने भविष्य को, अपने कल को और भी सुनहरा बना सकते हैं। हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में, कैलाश प्रज्ञा जी हैं, आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। कैलाश जी, इसके पहले हम अंक शास्त्र के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या अंक शास्त्र के जरिए जीवन के हर मोड़ पर हर पहलू को जोड़ा जा सकता है या वहां से खुशियां बटोरी जा सकती हैं? जी जरूर, अंक ज्योतिष एक ज्योतिष विद्या की ऐसी श्रेणी है जिसके अनुसार हम जीवन के हर पहलू को अपना सुखमय बना सकते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का जन्म तारीख सपोज 12 फरवरी है, 12 फरवरी मतलब कि 1 और 2, 3 का अंक का अगर व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अध्यापन, टीचिंग, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कार्य करता है, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में कार्य करता है, तो उसे सफलता मिलती है। अगर कोई व्यक्ति इस नंबर का गुरु प्रधान व्यक्ति होकर अपने अन्य क्षेत्रों में मेडिकल या इंजीनियरिंग के अगर काम करेगा, तो कहीं ना कहीं असफलताओं के में घिरा रहेगा। मतलब कहने का सार इतना है कि अंक ज्योतिष के अंदर जो हमारे नंबर है उन्हीं के अनुरूप अगर हम अपना कार्य क्षेत्र चुने तो सफलता हमको ज्यादा मिलती है। बिल्कुल, यानी कि अभी अगर आप कहीं मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन आपको उसके अनुसार फल नहीं मिल रहा, तो एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि हो सकता है अंक शास्त्र के मुताबिक आप काम ना कर रहे हो। इस पर और भी जानकारी आपको देंगे कैलाश प्रज्ञा जी, और अगर आपको भी कोई सवाल करना है, कोई परेशानी है, तो आप हमें कॉल करते रहें। फिलहाल यहां रुक जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता।
आपको भविष्य की चिंता सताती है तो आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ मेरे शो में, मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। टेंशन फ्री कल के लिए आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक, 5 सालों के लिए फ्रीडम 5 और अब 10 सालों तक टेंशन फ्री रहने के लिए नया फ्रीडम 10। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की एलपीजी सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस एलपीजी सब्सिडी को ना कर दें तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, और लाइफस्टाइल में आज हम बात कर रहे हैं अंक शास्त्र के बारे में। अगर आपके भी जीवन में अशांति है, कोई परेशानी है, आपको सफलता नहीं मिल रही और इसका कारण ढूंढ रहे हैं आप, तो हो सकता है इसमें से एक कारण अंक शास्त्र से भी जुड़ा हो। कोई भी सवाल हो आपके मन में तो देर न करें, सीधे फोन उठाएं और कॉल करें। हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में, कैलाश प्रज्ञ जी आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है और इसके पहले हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंक शास्त्र है क्या और कैसे इसके जरिए हम अपने जीवन में अलग अलग तरीके के सुख को पा सकते हैं। सर, अमूमन हम देखते हैं खासतौर पर जब गाड़ी ली जाती है, कोई घर हम लेने जाते हैं, वहां पे वास्तु तो देखते हैं, साथ ही घर का नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है। खासतौर पर गाड़ी जब हम खरीदने जाते हैं, कोई वाहन लेते हैं, वहां भी अंक शास्त्र अप्लाई होता है, किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है? अंक शास्त्र के अंदर वाहन खरीदते समय नंबर्स का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा आजकल समाज में चलन है, गाड़ी से ज्यादा कीमत देकर लोग नंबर लिया करते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार मैं ही अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अंक 3, अंक 6 और 9, 3, 6, 9 ये न्यूमरोलॉजी के अंक विद्या के सर्वश्रेष्ठ नंबर हैं। अगर आप आसपास अपने देखेंगे तो 3, 6, 9 नंबर की गाड़ियों का बहुत ही कम एक्सीडेंट होना पाया जाता है। 8 के अंक की गाड़ी अगर आप न लें तो ही अच्छी है। 8 का अंक अपने आप में शनि का वाहन दुर्घटना का कारक रहता है। 8 के नंबर वालों के लोग ही 8 के अंक की गाड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी लेना चाहता है वो 3, 6, 9 अंक की गाड़ी ले। अगर किसी व्यक्ति को अपना अंक ही नहीं मालूम, जन्म तारीख ही नहीं मालूम, उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो उस व्यक्ति को 3 के अंक की गाड़ी लेनी चाहिए। 3 का अंक बृहस्पति का प्लैनेट में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और 3 का अंक अंक विद्या, एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र के किसी भी विद्या के अंदर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस कारण आप 3 के अंक को ज्यादा प्रेफर करें, 8 के अंक जहां तक हो सके आप वाहन न खरीदें। रही बात घर की, बात अगर आप घर कभी भी खरीदते हैं तो 8, 17 और 26 इन दिनांक को कभी भी अपने घर का मुहूर्त न करें, इन दिनांक को कभी भी आप प्रॉपर्टी न खरीदें और जहां तक हो सके इस नंबर की गाड़ी घर को आप न लें, आपके लिए अच्छा होगा। बाकी सभी नंबर ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं। एक कॉलर हम ले लेते हैं, अपना नाम बताते हुए सवाल पूछ लें। हाँ जी, मेरा नाम बलवंत आराम जी। Hello? सवाल पूछिए और डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ जी, 1-2 बराने सरकारी जॉब नहीं मिल रहा है। जन्म तारीख क्या बताना सर? जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म की तारीख बताएं। 1-2 बरानवे अपनी जन्म
1/2/1992। एक का अंक आपने बताया और आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही। सर मैं यही कहना चाहूंगा, एक का अंक व्यापार का, राजनीति का कारक होता है, सरकारी नौकरी के अंदर एक के अंक वाले बहुत ही कम देखे गए हैं। तो इस कारण मैं तो आपको यही कहूंगा, आप जॉब लाइन में न जाकर अपना खुद का व्यापार स्टार्ट कीजिए, अपना मतलब प्रॉपर्टी के अंदर आप अपना काम शुरू कीजिए। आप मतलब स्टोन का जो फील्ड रहता है, मार्बल्स, टाइल्स, सीमेंट या बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ अगर आप अपना कोई भी कार्य करते हैं तो सफल रहेंगे। सरकारी नौकरी या किसी भी तरह की जॉब में रहना आपके लिए हमेशा परेशानी भरा ही रहेगा। चलिए, तो इसका हल क्या हो सकता है? इसके पहले आपने बताया कि कोई गाड़ी नंबर, गाड़ी जब भी लें तो इन नंबर्स का ध्यान रखें, अगर घर लें तो मुहूर्त का ध्यान रखें, इन तमाम चीजों की। लेकिन अगर पहले ही ले लिया हो और अगर वो सूट ना कर रहा हो, क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? इन उपायों को हम सर जानेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताएं और सवाल पूछ लें। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो नाम बताते हुए सवाल पूछें और डेट ऑफ बर्थ भी बता दें। मेरा नाम नीलम चौधरी है और मेरे जन्म डेट है 26 अप्रैल 1978। जी, सवाल पूछें। जी, मेरे को कैरियर के संबंधित पूछना है, मेरी गवर्नमेंट सर्विस लग नहीं रही है तो उस बारे में पूछना चाहती हूँ। 26/6/2008 का अंक आपकी जन्म तारीख, शनि का मालिक है और आप अपने जॉब से जुड़ा हुआ आपने क्वेश्चन किया है। मैम, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जॉब से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन, जॉब आपके कुंडली में कैलकुलेशन में है ही नहीं। आप प्राइवेट जॉब अगर करते हैं तो सफल रहेंगे, सरकारी नौकरी के लिए आप परेशान न हो, सरकारी नौकरी आपके कुंडली के अंदर है ही नहीं। तो आप प्राइवेट के अंदर अपना भाग्य आजमाइए और आपको जल्द से जल्द एक अच्छी जॉब मिल जाएगी 19 दिसंबर 2015 से पहले। चलिए, इसके पहले हम उपायों की बात कर रहे थे, उपाय क्या हो सकता है अगर हमने पहले ही ये चीजें खरीद ली हो या ले लिया हो तो? अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी जन्म अंक और उसने 8 के अंक की या अपने जन्म अंकों के विपरीत अंकों के अगर उन्होंने वाहन खरीद भी लिया है या जन्म तारीख न मालूम होने के बावजूद अपने मन मुताबिक अगर कोई वाहन खरीदा है तो उसका सबसे बड़ा उपचार यही रहता है कि वाहन जो होता है शनि का रहता है और शनि प्रधान व्यक्ति या शनि की किसी भी चीज को अगर हनुमान जी की पूजा पाठ की जाए तो वो चीज नुकसान नहीं देती। इसलिए हनुमान नाशक जो वाहन दुर्घटना यंत्र रहता है वो हमें सामने अपनी गाड़ी के अंदर स्थापित करना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ में यकीन ही नहीं करता तो उन्हें अपनी गाड़ी का इंटीरियर जो है कभी भी डार्क कलर का नहीं लेना चाहिए। आपकी गाड़ी का नंबर चाहे कुछ भी हो, अगर आप अपनी गाड़ी का इंटीरियर लाइट कलर, गोल्डन कलर, व्हाइट या अन्य किसी भी कलर का करवाते हैं काले के अलावा, तो आपकी वाहन में दुर्घटना होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, यानी कि काले रंग को अवॉइड करें। चलिए, कॉलर ले लेते हैं, नाम बताएं और सवाल पूछें। मैडम, मेरा नाम धर्मेंद्र है। जी धर्मेंद्र, सवाल पूछें और डेट ऑफ बर्थ भी बता दें। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/3/89। क्वेश्चन करिए आपका सवाल। मैम, सरकारी जॉब नहीं लग रहा है। सवाल दोहराएं धर्मेंद्र। मैडम, सरकारी जॉब नहीं लग रहा है। सरकारी जॉब, आपका जन्म अंक आपने 2 बताया और आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही। धर्मेंद्र जी, मैं यही कहना चाहूंगा, समय अभी उत्तम चल रहा है, आप अपनी असफलताओं से निराश मत होइए। 28 दिसंबर 2016 से पहले पहले आपकी सरकारी नौकरी लगने के बहुत अच्छे योग है। आप जुटे रहिए अपनी सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी आपको जल्द ही मिल जाएगी। चलिए, तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं, समय की कुछ कमी है हमारे पास। कैलाश प्रज्ञा जी, जाते जाते एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें अंक शास्त्र की जानकारी नहीं होगी या इससे जुड़ी अगर कोई समस्या है तो उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। गाड़ी और घर के लिए तो आपने सुझाव दे दिए, अमूमन अगर कोई अपनी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव चाहता हो तो क्या क्या कर सकता है? सकारात्मक बदलाव के लिए मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि अंक 3, 6 और 9 ये अंक विद्या के सर्वश्रेष्ठ नंबर माने जाते हैं। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में, किसी भी बात के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप हमेशा अपना कार्य 3 तारीख 6 तारीख या 9 तारीख को कीजिए। 3 के इक्वल नंबर जो है 12, 21 और 30 भी माने जाते हैं, तो उनके अंदर अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। और घर से निकलते वक्त हमेशा सदैव अपने बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लेके निकलिए,
लिए। अगर 1% आप अकेले रहते हैं, आपके घर पे कोई बड़े या पूर्वज है ही नहीं, तो आप अपने मंदिर में आशीर्वाद लेके निकलिए तो आपको सफलताएं जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैलाश प्रज्ञा जी हमारे साथ यहां मौजूद रहने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतने अहम सुझाव पहुंचाने के लिए। तो आज हमने अंक शास्त्र के जरिए कैसे अपने जीवन में सुधार लाया जाए इस बारे में जाना। उम्मीद है आपको इससे काफी फायदा होगा। फिलहाल लाइफस्टाइल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद।